नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक है 26 जुलाई 2018 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू पीआईबी और एआईआर न्यूज़ के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो हमारा पहला आर्टिकल है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। यह इंडेक्स है वो हर वर्ष एटी कियर्नी के द्वारा जारी किया जाता है। एटी कियर्नी क्या है? यह एक अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। तो यह इंडेक्स बताता है कि पूरे विश्व में ऐसे कौन से टॉप डेस्टिनेशंस हैं, डेस्टिनेशन का गंतव्य गंतव्य या कोई ऐसे स्थान है जो एफडीआई के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सबसे ज़्यादा जो एफडीआई को आकर्षित करते हैं, ऐसे कौन से गंतव्य हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं। तो इस इंडेक्स में जिस डेस्टिनेशन को प्रथम स्थान प्राप्त होगा वो डेस्टिनेशन है पूरे विश्व में एफडीआई के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा एफडीआई को आकर्षित करेगा। तो इस रैंकिंग में एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में 2018 है, इसमें भारत की रैंकिंग है वो 11 है और पिछले वर्ष 2017 में थी इसकी भारत की रैंकिंग 8वीं और 2016 में थी 9th। तो 2017 में थी 8वीं और अब की बार है 11वीं, यानी कि भारत है इसमें 3 स्थान है वो फिसल गया है इस रैंकिंग में। तो इस भारत की इस रैंकिंग का 3 स्थान फिसलने का कारण क्या है? देखो, दो कारण बताते हैं इसमें अर्थशास्त्री की। एक तो जीएसटी को लागू करना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करना, और दूसरा डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। इन दो कारणों से भारत की जो रैंकिंग है वो 2017 में 8 थी और अब 11 हो गई है, वो 3 स्थान फिसल गई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के 3 स्थान फिसले हैं, यानी कि भारत में ये जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के कारण पिछड़ गया है, ऐसा नहीं है। भारत ने कुछ सुधार भी किए हैं। क्या सुधार किए हैं? जैसे एफआईपीबी है उसको समाप्त कर दिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। एफआईपीबी का पूरा नाम क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको समाप्त कर दिया है। और जो एफडीआई की सीमा है उसको उदारीकृत किया है। उदारीकृत का मतलब है यहाँ पर उसको लिबलाइज किया है, मतलब कि पहले कई सेक्टर में एफडीआई है वो प्रतिबंधित था, और लेकिन अब वो सेक्टर भी खोल दिए हैं जहाँ पर एफडीआई नहीं होता था, यहाँ पर जिसमें एफडीआई नहीं आ सकता था। तो एफडीआई का पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो ध्यान रखना ये कौन जारी करता है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स? ये एट्री कियर्नी है वो जारी करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेखटकर कमेटी से संबंधित है। सेखटकर कमेटी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। सेखटकर कमेटी 2016 में रक्षा मंत्रालय द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों गठन किया था? कि युद्ध क्षमता को बढ़ाना और रक्षा खर्च है उसको पुनर्संतुलित करना। तो इस कमेटी के द्वारा 99 सिफारिशें दी गई, जो जिनमें से इन 99 सिफारिशों में से 65 सिफारिशें थे वो तो भारतीय सेना से संबंधित थी, और जो बाकी की 34 सिफारिशें थी वो नेवी और एयरफोर्स से संबंधित थी। और सरकार ने भारतीय सेना से संबंधित सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। और ये सिफारिशें क्या थी? मुख्य रूप से जो एनसीसी है उसकी क्षमता को बढ़ाना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स उसकी क्षमता को बढ़ाना, और जो एक्टिव जो सोल्जर्स होते हैं, जो सक्रिय सैनिक होते हैं, उनको सिर्फ युद्ध में प्रयोग किया जाए, दूसरे कामों में जो रिटायर्ड जो सैनिक होते हैं उनको यूज किया जाए। देखो, सक्रिय सैनिक कौन? जो सैनिक है वो कार्यरत है, लेकिन उनसे क्या करवाया जाता है? उनसे घास कटवाई जाती है, कुछ घर का काम करवाया जाता है, तो इस प्रकार के ऐसे कार्य करवाए जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो ऐसे कामों के लिए जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको यूज करना चाहिए। देखो, ऐसे तो सेखटकर के समिति की कमेटी है उसकी सिफारिश तो 99 सिफारिश है, तो यूपीएससी के इस प्रकार के जो सिफारिशों को पूछने की संभावना बहुत कम ही होती है, लेकिन ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना किससे संबंधित है और किसके द्वारा इसका गठन किया गया था, कितनी सिफारिशें किसके लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ऑयल इंपोर्ट से संबंधित, तेल आयात से संबंधित। हमारे पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा एक आंकड़ा संसद में रखा गया, और उनके अनुसार कि भारत है वो इराक के बाद, जो भारत है इराक के बाद सबसे ज़्यादा तेल है वो ईरान से आयात करता है। देखो, पहले तो क्या होता था, इराक से सबसे अधिक भारत है वो तेल का आयात करता है, दूसरे नंबर पर आता था सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर आता था ईरान। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है? वर्तमान में भारत का तेल आयात है वो सबसे अधिक है इराक से, दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? ईरान, और तीसरे नंबर पर कौन आ गया? सऊदी अरब। तो भारत है ईरान से इराक के बाद दूसरे स्थान पर तेल आयात करता है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है ये फैक्ट कि जो यूएसए है,
यूएसए भारत को दबाव डाल रहा था भारत के ऊपर कि आप है ना तेल जो ईरान से तेल आयात होता है उसको कम कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पहले की तुलना में हम ईरान से तेल आयात है वो बढ़ा दिया है, ईरान से तेल को आयात करना है वो बढ़ा दिया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि यूएसए के दबाव के बावजूद है तेल आयात है वो बढ़ रहा है भारत का ईरान से। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, लोकसभा ने एक बिल पास किया है और वो बिल क्या है, एनसीटीई अमेंडमेंट बिल 2017। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2017। देखो बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा कि हमारे देश में कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूशंस है वो टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स चलाना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोर्स क्या होते हैं टीचर्स के, ट्रेनिंग कोर्स जैसे बीएड करवाते हैं एमएड करवाते हैं, तो उनको ऐसी संस्थाओं को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ती है, एनसीटीई से मान्यता लेनी पड़ती है इनको। लेकिन ऐसे कई संस्थान हैं जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कार्य शुरू कर रहे हैं लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली है। तो ऐसी 20 संस्थाएं थी जिन्होंने मान्यता नहीं ली थी एनसीटीई से और वो बीएड और एमएड का कोर्स भी करवा दिया उन्होंने। तो ऐसे में तो उन संस्थाओं के ऊपर और सवालिया निशान लगता है, और दूसरे जो वो छात्र जिन्होंने जो ऐसे टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग कोर्स किया है टीचर्स के लिए तो उनको कोर्स भी वो इनवैलिड है, तो इसलिए उनकी डिग्री इनवैलिड है, अवैध है। तो एनसीटी के एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी संस्था है जो यूनिवर्सिटी है वो एनसीटी से मान्यता लिए बिना ट्रेनिंग कोर्स नहीं चला सकती। तो इस पर सरकार ने ये संशोधन किया कि सरकार ने एक बार के लिए जो उनकी डिग्री है वो वैध कर दी है, यानी कि 2017-18 तक ऐसे कोर्स किए हैं जिन्होंने जिन संस्थाओं के पास मान्यता नहीं है उन्होंने छूट उनको छूट दे दी है कि वो डिग्री है वो वैध होगी। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना एक बार के लिए ही छूट दी है 2017-18 के लिए तक ही। स्थापना एनसीटीई के बारे में जानते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और किसके तहत, एनसीटीई नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत एनसीटीई की स्थापना 1995 में की गई थी। तो यह एक स्टेचुरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, क्योंकि संसद में एक एक्ट पास के करके इसकी स्थापना की गई थी ना, तो इसलिए ये क्या है एक सांविधिक निकाय है। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। कार्य क्या है एनसीटीई का, हमारे देश में जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसका विकास करना, दूसरा यह सुनिश्चित करना कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए जो नॉन सोर्स स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनके जो नॉन सोर्स स्टैंडर्ड है वो क्या होने चाहिए टीचर एजुकेशन सिस्टम के, वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एनसीएफ नेशनल कल्चर फंड, एनसीएफ नेशनल कल्चर फंड कंटेस्ट क्या है, पिछले 3 सालों में सीएसआर के तहत, सीएसआर क्या, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत एनसीएफ में 9 करोड़ रुपए हैं वो एकत्रित हुए। तो एनसीएफ के बारे में जानते हैं, कंटेस्ट तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। एनसीएफ क्या है, 1996 में इसकी स्थापना हुई और इसे चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। एंडोमेंट होता है धर्मार्थ, तो इस एक्ट के तहत चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है, हमारे देश के जो नेशनल मोनूमेंट्स हैं जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको प्रोटेक्ट करने में कॉरपोरेट सेक्टर, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर जो व्यक्तिगत सहयोग है वो लिया जाए, ठीक है। यानी कि नेशनल प्रोटेक्ट, नेशनल मोनूमेंट है, राष्ट्रीय स्मारक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, फंड दे सकता है इसके अंदर, यानी कि इसमें पैसे दे सकता है इस एनसीएफ के अंदर, ठीक है। तो एनसीएफ को एक परिषद के द्वारा प्रबंधन और प्रशासित किया जाता है, इसका मैनेज्ड और एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, एक परिषद, और उस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, कल्चर मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाती है, जो नेशनल मोनूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाती है, और उस नीतियों को बनाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी को, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस नीतियों को लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, इसी कल्चर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू।